सम्माननीय शिक्षक साथियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में अंग्रेजी विषय के अंतर्गत कक्षा पहली के विद्यार्थियों को स्ट्रोक्स सिखाने के लिए किस तरह से शिक्षण योजना हम बना सकते हैं, इस संदर्भ में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। साथियों, कक्षा पहली की अंग्रेजी रीडर में जो लेसन वन है, लेट्स सिंग, इसमें लेखन पूर्व बच्चों का अभ्यास कराने के लिए स्ट्रोक्स, जिसके अंतर्गत आड़ी, खड़ी, तिरछी, कर्व, लाइन बनाने का जो अभ्यास करा जाता है, जिसे कि हम स्ट्रोक्स कहते हैं, इस संदर्भ में हम योजना कैसे तैयार करेंगे, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने महत्वपूर्ण जानकारी को, जो एक प्रारूप है शिक्षण योजना तैयार करने के लिए, उस प्रारूप में तैयार किया है और यहीं से हम समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर अवधारणा क्षेत्र की, तो लेसन वन लेट्स सिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से अवधारणा क्षेत्र होंगे उनको मैंने यहाँ लिखा है। चलिए सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक को देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक में जो जानकारी दी गई है उसको हम एक नजर डाल लेते हैं, इसके पश्चात आगे बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कक्षा पहली की इंग्लिश रीडर बुक, और इस बुक में आप यहाँ पर देखेंगे लेसन वन लेट्स सिंग, और यहाँ पर बहुत ही प्यारी कविता दी गई है, राइम दी गई है, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी आई विल टीच यू ABC, यानी कुमला के जो अंग्रेजी के लेटर्स है उसके अंतर्गत यह कविता है। और यहाँ अब आप देखेंगे तो स्ट्रोक्स और अभ्यास के लिए यहाँ पर जगह दी गई 4 lines में, ठीक है। तो इसी पर हमको टीचिंग प्लान तैयार करना है, तो कैसे तैयार करेंगे इसी पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अवधारणा क्षेत्र की हम बात करें, तो अवधारणा क्षेत्र में मैंने यहाँ पर कुमला के 3 बिंदुओं को दर्शाया है, इसके अलावा आप भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला लिखा है कि राइम को हाव भाव के साथ गायन करना, विद्यार्थियों के लिए इस लेसन से अवधारणा क्षेत्र होगा कि जो राइम है यानी कविता है, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी, ये बच्चों के द्वारा दोहराना, ठीक है, गायन करना हाव भाव के साथ में, जैसे शिक्षक गाएगा इस सब बच्चे उसको पीछे दोहराएंगे, यही अवधारणा क्षेत्र है पहला। और दूसरा है इंग्लिश लेटर्स की समझ विकसित करना। देखिएगा जो कविता दी गई, इस कविता में इंग्लिश लेटर्स का ज्ञान कराने का पूरा ख्याल रखा गया है ना, ए से लेकर जेड तक। तो हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चे के अंदर लेटर्स की समझ विकसित हो। आगे हम बात करें तीसरा, तो सामान्य लेखन पूर्व स्ट्रोक्स का अभ्यास कराना। देखिएगा स्ट्रोक्स का जो अभ्यास है, इस पाठ के लिए हमारा प्रमुख अवधारणा क्षेत्र होगा। लेखन से पूर्व जब तक बच्चे स्ट्रोक्स में अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वे लेखन नहीं कर सकते हैं, या तरीके से अच्छी तरीके से जो लेटर्स है उनका निर्माण नहीं कर सकते। तो स्ट्रोक्स के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि खड़ी डंडी, आड़ी डंडी, तिरछी डंडी, कर्व, है ना, इस प्रकार की कई प्रकार की जो स्ट्रोक्स है उसका हम बनाने का अभ्यास करवाते हैं, ठीक। तो ये भी अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे बात करें तो पाठ का नाम क्रमांक, तो पाठ का नाम क्रमांक में पाठ 1 लेट्स सिंग यही आएगा बस। इसके पश्चात इस लेसन के अंतर्गत जो पेडागॉजिकल प्रक्रियाएं हैं, अर्थात अध्यापन कराने का शिक्षा शास्त्र, या हम कह सकते हैं कि जो हम बच्चों को जब अभ्यास कराते हैं, पढ़ाते हैं किसी पाठ को, तो उसको पढ़ाने का शिक्षा शास्त्र क्या है, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही गतिविधियां कौन सी होंगी, यानी अध्यापन कराने के लिए कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, और प्रस्तावना के बारे में यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है, ठीक है। तो उदाहरण रूप देखिएगा, शिक्षक द्वारा गुड मॉर्निंग के अभिवादन के साथ कक्षा में प्रवेश कर बच्चों को गुड मॉर्निंग के रूप में प्रत्युत्तर देने को कहना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम कक्षा में प्रवेश करें तो बच्चों को गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऐसा कहते हुए प्रवेश करें, और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो गुड मॉर्निंग में ही जवाब दे, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करके वो जवाब दे, हमको यहाँ सिखाना पड़ेगा। तो एक गतिविधि यह होगी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पोयम को पूर्ण हाव भाव के साथ सुनाना, बच्चों का पीछे दोहराना, ये दूसरी गतिविधि होगी कि सबसे पहले टीचर्स जो पोयम है, राइम है, उसको पूर्ण हाव भाव के साथ में दोहराएगा, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी आई विल टीच यू ABC, इस तरह से हाव भाव पूर्वक शिक्षक को गाना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा।
इसके पश्चात विद्यार्थी पीछे पीछे फिर इसे दोहराएंगे। इस तरह से वे गाना सीखेंगे और साथ में जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं उनकी वो पहचान करना भी सीखेंगे। आगे है रनिंग बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या स्लेट पर कलम चलाना। देखिए स्ट्रोक से पूर्व भी हम बच्चों को कलम या चाक चलाना सिखा सकते हैं। रनिंग बोर्ड जो कक्षा के आसपास पुता होता है ना, दो फीट की ऊंचाई पर जो पुता हुआ होता है उसे रनिंग बोर्ड कहते हैं। उस रनिंग बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर या स्वयं की स्लेट के ऊपर कलम या चाक की सहायता से कई तरह की लाइनें खींचना बच्चे सीखते हैं, जिससे कि बच्चों कम से कम चलाना आ जाएगा। इसके पश्चात शिक्षक द्वारा बोर्ड पर चार लाइनों में आड़े तिरछे खड़े स्ट्रोक्स बनाना व बच्चों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके पश्चात शिक्षक बच्चों को स्ट्रोक्स बनाना सिखाएगा। ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के ऊपर चार लाइन बना ले। चार लाइन बनाने के पश्चात में खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, है ना, ठीक है, तिरछी और इस प्रकार गोलाकार कई तरह की जो लकीरें हैं, लाइनें हैं, उनको बनाकर बताएगा और बच्चे पीछे पीछे बनाएंगे उसी तरह से। तो इस तरह से बच्चों का अभ्यास होगा और फिर आगे धीरे धीरे करके क्या होगा, बच्चे जो पुस्तिका है यानी पाठ पुस्तक है, पाठ पुस्तक में जगह दी गई स्ट्रोक्स के लिए, वहां पर पेंसिल की सहायता से या पेन की सहायता से बच्चा उन स्ट्रोक्स को पूरा करेगा। ठीक है, तो ये हो गई पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां और प्रस्तावना के अंदर ये बातें हो गई। ठीक है, अब बात आती है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात TLM। इसमें कौन कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग की जा सकती है, तो देखिएगा यहाँ पर ए से जेड तक लेटर्स कार्ड, यानी ए से जेड तक जो कैपिटल लेटर्स है उनके हम कार्ड का उपयोग करेंगे। और कब करेंगे, जब हम हाव भाव पूर्वक कविता का उच्चारण करेंगे उस समय हम उन कार्डों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात विभिन्न स्ट्रोक्स को दर्शाने वाले चार्ट। लेटर्स कार्ड के अलावा हमारे पास ऐसे चार्ट होने चाहिए, शिक्षक ड्राइंग शीट पर ऐसे चार्ट बना सकता है जिसमें स्ट्रोक्स दर्शाए गए हैं, फोर लाइन बनी हुई हो, उन फोर लाइन्स में खड़े आड़े तिरछे, है ना, सेमी सर्कल या सर्कल वाले जो स्ट्रोक्स है वो दर्शाए हुए हो ताकि बच्चे उनको देखकर बनाना सीख सके। आगे है ऑडियो जैसे मोबाइल रिकॉर्डर। इसके अलावा हम बच्चों को कविता सिखाने के लिए ऑडियो का प्रयोग कर सकते हैं मोबाइल में, जैसे कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी उसका रिकॉर्ड कर ले, है ना, और बच्चों को सुनाए, बच्चे उसको सुन करके फिर दोहराए। और फिर दूसरी बात यह है कि डिजिटल वीडियोस में भी ये जानकारी हमको देखने को मिलती है, तो इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरह से सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री TLM हो गया। इसके पश्चात आता है अनुमानित कालखंड समय। साथियों विद्यार्थियों को इस लेसन को हम कितने कालखंड में पूरा कर सकते हैं उस आधार पर हम कालखंड ले सकते हैं, 3, 4, 5। तो ये प्रारंभिक लेसन है इसलिए हम 5 कालखंड मैंने यहाँ पर उदाहरण रूप लिया है। आगे आता है लर्निंग इंडिकेटर अर्थात सीखने के संकेतक। जब हम बच्चों को इस कविता को सुनाएंगे पढ़ाएंगे तो बच्चे कुछ अपने प्रतिक्रियाओं को दर्शाएंगे या क्या बच्चे कर सकते हैं, यही बात हमको लर्निंग इंडिकेटर में दर्शाना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने लिखा है कि राइम्स को दोहराने में मजे करना, हंसते हुए गाना। देखिएगा जब शिक्षक बच्चों को राइम सुनाएगा पूरे हाव भाव के साथ तो बच्चे भी बड़े मजे करते हुए राइम्स को गाते हैं, वो मजे करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो यही बात हमको लिखना है यहाँ पर लर्निंग इंडिकेटर में। यदि बच्चे ऐसा कर रहे हैं मतलब वो सीख रहे हैं, इससे हमको ज्ञात हो रहा है कि हमारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा है स्लेट रनिंग बोर्ड पर चाक कलम से तरह तरह की लकीरें खींचना। जब हम बच्चों को स्ट्रोक्स सिखाते हैं तो फिर बच्चे अपने आप रनिंग बोर्ड के ऊपर स्लेट में या कापी में पेन कलम की सहायता से वे कई तरह की लकीरें खींचना प्रारंभ करते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में गतिशील हैं। आगे शुरुआती लेटर जैसे ABC को पहचान कर पढ़ने की कोशिश करना। जब कविता में ही दिया हुआ है कि कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी आई विल टीच यू ABC, तो यहाँ पर जो लेटर्स हैं ए से जेड तक इनके बारे में बच्चा सुनता है तो फिर धीरे धीरे जो शुरुआती लेटर्स हैं ABCD इनकी पहचान करना वो प्रारंभ कर देता है। तो ये बात भी हमको देखने को मिलेगी, तो इसको भी हम लर्निंग इंडिकेटर में देख सकते हैं। इसके पश्चात मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। जो कुछ भी हम इस पाठ से बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है,
तो मूल्यांकन के लिए हम किन गतिविधियों का आयोजन करेंगे, कौन कौन सी गतिविधियां रख सकते हैं, तो उन गतिविधियों को यहाँ पर लिखना है। कविता की पंक्तियां प्रत्येक बच्चे को सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक बच्चे को जो कविता की पंक्तियां हमने सुनाई है कम लिटिल चिल्ड्रन, तो बच्चे भी कम से कम इतना तो बोलता कि कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी आई विल टीच यू ए बी सी, इस प्रकार बच्चा दोहरा ले, तो ये हम बच्चों को पूछ सकते हैं जिससे कि हमको ज्ञात होगा कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा है और कहां हमारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया में पिछड़ रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला है शिक्षक द्वारा बनाए स्ट्रोक्स को बनाना। शिक्षक यह भी देख सकता है कि हमारे बच्चे वाकई स्ट्रोक्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, ग्रीन बोर्ड के ऊपर चार लाइन खींच करके स्ट्रोक बनाया तो बच्चों को बोले उस टाइप का स्ट्रोक बनाइए, तो बच्चे के बना रहे हैं मतलब सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, अनेक बच्चे सीख रहे हैं। आगे है बोले गए लेटर्स का कार्ड बारी बारी से उठवाना। शिक्षक ए बी सी और डी ये चार लेटर्स के कार्ड रख करके बच्चों से कह सकता है कि आप बी उठाइए, बी कहाँ है बताइए, तो बारी बारी से बच्चों से ये कर सकता है जिससे कि पता चलेगा कि बच्चों को वाकई लेटर्स की पहचान हो रही है या नहीं हो रही है। आगे है चार लाइन में स्ट्रोक्स बनाना। इसके अलावा सीधी सी बात है, चार लाइन हम लेंगे और बच्चों से स्ट्रोक्स बनवाएंगे, एक खड़ी डंडी बनाओ, आड़ी डंडी बनाओ, तिरछी डंडी बनाओ, है ना, गोलाकार बनाओ, तो इस प्रकार से हम बच्चों को कह सकते हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि बच्चे हमारे सीख रहे हैं। आगे चलते हैं, आओ करके सीखे घर में खेल खेल में, तो इसमें कुछ गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं जिससे कि बच्चे अतिरिक्त भी सीख सकते हैं। यहां देखिएगा, सीखी गई कविता को घर पर माता पिता को सुनाने को कहना। हम बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि जो कविता हमने आज सिखाई आपको, है ना, या दो दिन तक सिखाइए कि कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी आई विल टीच यू ए बी सी, इस कविता को गाकर सुनाना है। यदि बच्चे घर में अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर से उसमें वो सीखेंगे भी, है ना। तो बच्चे सीखे इसके लिए यह आवश्यक है हम बच्चों को सुझाव दें कि अपने घर में अपने माता पिता को इस कविता सुनाएं। आगे है घर से छोटी छोटी लकड़ियों टूटी हुई चूड़ी आदि से स्ट्रोक्स के नमूने एकत्र कर कक्षा में दिखाना। हम बच्चों को एक काम ये भी दे सकते हैं कि भाई छोटी छोटी लकड़ियां हैं, है ना, ऐसी छोटी छोटी लकड़ियां मतलब इन्हें डंडी के रूप में खड़ी डंडी तिरछी डंडी आड़ी डंडी इस प्रकार कर दिए, इस प्रकार कांच की चूड़ियां हैं तो आधी चूड़ी मान लो, तो इस प्रकार से हम बच्चों को संग्रह करने को बोल सकते हैं, उसको कक्षा में दिखाने को बोल सकते हैं, तो बच्चा समझने लगेगा कि हाँ ये खड़ी डंडी है, ये तिरछी है, ये आड़ी है, ये गोलाकार है, इस प्रकार से वो जान सकता है समझ सकता है कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार हमको बनाना है। ठीक है, आगे है पाठ्य पुस्तक में चार लाइनों में स्ट्रोक्स को पेंसिल पेन की सहायता से बनाना। इसके अलावा जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जगह दी गई है स्ट्रोक्स के लिए, तो वहां पर बच्चों से पेंसिल की सहायता से या पेन की सहायता से स्ट्रोक्स बनवाना। तो ये हो गया आओ करके सीखे घर में खेल खेल में, और अंत में आता है लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल सीखने की संप्राप्ति। इतना कुछ पढ़ाने के पश्चात हमारे बच्चे क्या सीख जाएंगे उसी बात को हमको यहाँ अंकित करना है। तो बच्चे क्या सीखेंगे, देखिएगा कि रुचि के साथ खुशी से नवीन भाषा की कविता को दोहरा पाते हैं। जो नई भाषा है अंग्रेजी हमारे बच्चों के लिए, तो उस भाषा की कविता को बड़े मजे के साथ में वो दोहरा पाते हैं। ये बात इतना कुछ करने के बाद सीख पाएंगे, इतना कर पाएंगे, तो ये एक लर्निंग आउटकम होगा। आगे है लेखन पूर्व गतिविधि के अंतर्गत स्ट्रोक्स बना पाते हैं, यानी लेटर्स को लिखने से पहले जो स्ट्रोक्स बनाने का है तरीका है वो वे मतलब स्ट्रोक्स जो है कई तरह के बना पाते हैं। ये भी क्या होगा, लर्निंग आउटकम्स होगा। और फिर है अंग्रेजी के शुरुआती लेटर्स ए बी सी आदि को पहचानते हैं। इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स में ये होगा कि जो ए से जेड तक लेटर्स हैं उनमें से जो शुरुआत के लेटर्स हैं ए से लगा करके डी तक या ई तक उनको वे पहचानते हैं, ये हमारा लर्निंग आउटकम्स में हो सकता है। तो साथियों, मैंने लेसन वन लेट्स सिंग के अंतर्गत जो स्ट्रोक्स से संबंधित अभ्यास है इसके लिए मैंने इस शिक्षण योजना को आपको बताया। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और आप इसका लाभ भी ले पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी नए प्रकरण को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।